Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 25. I'm Dr. Purvez Ahmed. In this section, we will start the discussions on the magnetic field. So, aaiye aaj ke lecture ki taraf jaate hain. So, aaj ke lecture mein hum start karenge magnetism ke baare mein. Pehle hum discuss karenge ke magnetism hai kya. Phir baad mein hum magnetism se related jitne bhi matlab concepts hai. उन कंसेप्ट से या फिनोमेनाज है या लॉज है और उनको डील करेंगे. सो पहले थोड़ा सा आप लोगों को जो प्रीवियस कंसेप्ट है अब तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको आप याद कीजिएगा. जिस तरह के मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और हमने ये पढ़ा के जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को रिफेल करते हैं जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो बिल्कुल इसी तरह जब हम मैग्नेटिज्म में आते हैं सो हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिज्म में जो हमारे पास जो मटेरियल होता है दैट वी कॉल मैग्नेट. सो मैग्नेट के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, टू काइंड है. वी हैव टू काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस, तो इसी तरह हम कहते हैं कि वी हैव टू काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, एक हमारे पास है नॉर्थ पोल और दूसरा हमारे पास साउथ पोल. जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है. जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमारे पास जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. सो बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट्स में हमारे पास जो अपोजिट पोल्स है दे अट्रैक्ट ईच अदर वाइल द सेम पोल दे रिपेल ईच अदर. ठीक है, मतलब सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट पोल्स वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेम पोल रिपेल ईच अदर व्हाइल द अपोजिट पोल दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अच्छा. सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक फर्क है. इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मतलब वो हो सकता है. बट आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव नेवर बीन ऑब्जर्व. लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म में आते हैं तो मैग्नेटिज्म में जो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या साउथ पोल का कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ना वो एग्जिस्ट करती है ना कभी इसको ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जस्ट लाइक यू कैन सी आइसोलेटेड चार्जेस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इट कैन एग्जिस्ट बट आइसोलेटेड साउथ पोल नॉर्थ पोल दे नेवर एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिज्म. ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक मैग्नेट है मतलब और आप चाहे इसको कितने भी स्मॉलर पीसेस में आप उसको तोड़े या इसको डिवाइड करें सो ऑटोमेटिकली यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म और जो मैग्नेटिक पोल्स है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके बीच ये फर्क है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये है कि आइसोलेटेड चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और इसके लिए चाहे आप एक मैग्नेट को चाहे कितने भी स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करें तो उसमें ऑटोमेटिकली जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो क्रिएट होगी लेकिन यू विल नेवर ऑब्जर्व नॉर्थ और साउथ पोल. ठीक है, आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल. सो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है इसी तरह जस्ट लाइक द सेम वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर बीन एसोसिएटेड विद द अर्थ. ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो अर्थ के साथ एसोसिएटेड है या हम कह सकते हैं कि द अर्थ हैज एसोसिएटेड विद एड अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कि ज़मीन के साथ एक फील्ड वो क्या है, वो अटैच है, एसोसिएटेड है. ठीक है,
विद द फॉल्स नियर द जोग्राफिक फॉल्स। ठीक है, कि हम कहते हैं कि नेचुरली ज़मीन के साथ क्या है, ज़मीन के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड वो एसोसिएटेड है, और इसका जो मतलब है उसके जो उसी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ज्योग्राफिक वो फॉल्स है। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है उसके साथ नेचुरली एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एग्जिस्ट करती है, और उसके जो फॉल्स है वो ज़मीन के ज्योग्राफिक फॉल्स को मतलब हम ले रहे हैं। सो उसकी द फॉल ऑफ ए मैग्नेट, मतलब जो हमारे पास मैग्नेट है, पहले हम कंसेप्ट ये दे रहा है कि हमारे पास जो ज़मीन है, ज़मीन के साथ नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड वो एग्जिस्ट करती है, और उसके जो फॉल्स है वो ज़मीन के ज्योग्राफिक फॉल्स मतलब के बराबर है, या हम उसके फॉल्स को ज़मीन का ज्योग्राफिक फॉल्स ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, उसमें हम जो फॉल्स है हम कहते हैं जो हमारे पास मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो हम कैसे लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सो द पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्टिंग टू द अर्थ नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल इज द मैग्नेट नॉर्थ पोल। ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मैग्नेट की नॉर्थ पोल है। या आपके पास एक मैग्नेट है, आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो उसका जो पार्शन ज़मीन के ज्योग्राफिक पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, तो हम कहते हैं दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास मैग्नेट, आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो और उसका एक पोल वो क्या करता है, ज़मीन के जो ज्योग्राफिक साउथ पोल है उसकी तरफ पॉइंट करता है, सो दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट, कि आपका मैग्नेट है और वो मैग्नेट उसका जो एक साइड है या पोल है वो ज़मीन के नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करे, सो दैट यू कैन से और यू कैन पॉइंट और यू कैन टैग दैट एज द नॉर्थ पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। बट इफ योर मैग्नेट, इफ द पोल वन ऑफ योर पोल ऑफ द मैग्नेट it point towards the south geographic pole of the earth, so that has been take as that has been take as the south pole of your magnet. Okay, so here you can see the reference, and that reference you can study more according to your own wishes. I mean, yahan se aap mazid kuch bhi agar padhna chahe to usse pad sakte hain. Acha, so just we use the electric field to help us explain and visualize electric forces and space. We use the magnetic field to help us explain and visualize magnetic forces in space. जिस तरह हमने electric field के लिए जो field lines है उनका concept utilize किया ताकि हम space में जो electric force है उसको visualize करें, उसको explain कर सकें, उसी तरह हम magnetic fields के लिए वो lines वो use करेंगे ताकि हम क्या करें कि जो magnetic force है उसको explain और visualize करें space में। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को किया उसी तरह मतलब हम मैग्नेटिक फोर्स को मतलब एक्सप्लेन करेंगे उसी फील्ड लाइंस की मदद से। ठीक है, सो बी रिमेंबर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ पोल ऑफ ए कंपास वुड पॉइंट। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती है जिस डायरेक्शन में कंपास का मतलब जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको बाद में फिर हम उसकी फुल जो डिफिनीशंस है या जो डायरेक्शन है बाद में हम उसमें डिटेल के साथ उस पर बात करेंगे। एक और चीज़ आप याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि वह मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट के बराबर होती है। इसको भी बाद में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। So the more field lines in a region in space, the stronger the magnetic field would be. ठीक है, ये मतलब एक स्पेस है हमारे पास, उसमें जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे तो उतना ही हम कहेंगे कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांगर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि वो क्वेश्चन ये है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पॉइंट अवे फ्राम द नॉर्थ पोल। ठीक है, कि आपके पास एक मैग्नेट है
और उस मैग्नेट्स में आप देखते हैं कि बाहर की तरफ वो जो नॉर्थ पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो अवे पॉइंट करती है, मतलब नॉर्थ पोल से अवे वो पॉइंट करती है। सो क्वेश्चन ये है कि वाई ऐसा क्यों है कि नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होते हैं और वो बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन इन दैट इफ यू वॉन्ट टू आंसर, सो द आंसर इज वेरी सिंपल, आई मीन यू कैन सी एंड यू कैन ऑब्जर्व बाई योर सेल्फ के ये इसी वजह से है कि द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास वुड वॉन्ट टू गेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, कि नॉर्थ पोल जो कंपास का नॉर्थ पोल है हमेशा वो चाहता है कि वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ वो चला जाए। ठीक है, सो दिस वाई इज ऑलवेज पॉइंट आउट मतलब इट्स पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। आई मीन दिस दिस इज द आंसर टू सम हाउ अब योर क्वेश्चंस की क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। सो हियर यू कैन सी दैट व्हाई पॉइंट अवे कि यहाँ से मतलब ओरिजिनेट होंगे नॉर्थ से, सो व्हाई इज अवे यहाँ पर देखे अवे बिकॉज दे वांट टू गेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब यहाँ से नॉर्थ से ये शुरू हो रहे हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट ये स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड दे मूविंग अवे द गेट टू द साउथ पोल। That's why we are saying that north pole of a compass would want to get to the south pole of the magnet. Okay, so that is the question is your answer. Okay, so here's a picture of the magnetic field of a bar magnet using iron filling to map out the field. अच्छा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं कि आपके पास आयरन्स है, आयरन्स के छोटे छोटे जरात है, तो आपके पास एक बार मैग्नेट्स है, तो उसी स्मॉल जरात से आप इस तरह का फिनोमेना वो जनरेट कर सकता है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन विजुलाइज कि कैसे मतलब जो फील्ड लाइंस है मतलब ये जो फील्ड लाइन का कंसेप्ट है दैट कैन इजीली यू क्रिएट इनसाइड योर लैब्स। ठीक है, आपके लैब्स में अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स है और आपके पास स्मॉल मतलब मैग्नेट्स है या आयरन्स है, आयरन्स के स्मॉल छोटे छोटे मतलब टुकड़े हैं, सो विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन ईजिली मैप आउट the magnetic field. Okay, and we remember the magnetic field ought to remind you of the earth field. Okay, और ये आपको मतलब वही जो जमीन की जो earth field है उसकी याद दहानी ये कराएगा, just like you can see here. अब यहाँ पर इसको देखें और इसको देखें, so it's almost look like the same. ये हमारे पास earth की example है and that is the one you can create or you can produce inside your lab. ठीक है, तो दोनों में आप देखें सो यू विल फाइंड द सिमिलरिटीज। सो वी यूज द सैम्पल बी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वी रिप्रेजेंट बाय ई विद एरो साइन, सो सिमिलरली वी यूज द सैम्पल बी विद एरो साइन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड द साउथ पोल। ठीक है, और मैग्नेटिक की जो है जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स वो होती है, इट्स एग्जैक्टली इन द वे लाइक यू कैन सी हेयर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग वो देख रहे हैं। जो ऐसा यूनिट्स है मैग्नेटिक फील्ड के लिए दैट इज कॉल्ड टेस्ला एंड वन टेस्ला इज इक्वल टू 1 kg पर कूलम्स। ठीक है, 1 kg पर कूलम्स के वो बराबर है और ये बाद में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट किधर से आया। ठीक है, कि दीज यूनिट्स कम फ्रॉम जो हमारे पास रिलेशंस है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ये रिलेशन बेसिकली उधर से डिराइव होता है, उधर हम डिटेल के साथ जब कमिंग स्लाइड्स में हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल के साथ इस यूनिट के बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसे हम डिराइव करते हैं या ये यूनिट कैसे इस रिलेशन के बराबर है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 kg पर कूलम सेकंड। ठीक है, सो दीज यूनिट्स कम फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशंस विच अपीयर ऑलमोस्ट अ फ्यू स्लाइड फ्रॉम नाउ और टू मोर स्लाइड फ्रॉम नाउ। सो इन अ बिट यू विल सी हाउ द यूनिट्स आर रिलेटेड टू अदर क्वांटिटीज। ठीक है, वी नो अबाउट एंड लेटर ऑन इन द कोर्स यू विल सी एन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जो टेस्ला यूनिट हम यूटिलाइज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मैयरमेंट मैग्नेटिक फील्ड के मैयरमेंट के लिए
उसको बाद में हम डिटेल के साथ उसकी मतलब इसकी डिफिनीशन भी करेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। तो वहाँ पर आप फुल डिटेल के साथ जानोगे कि टेस्ला क्या है एंड हाउ वी हैव दिस यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास ओल्ड यूनिट है और हम इसी को अभी भी यूज़ करते हैं। और हम कहते हैं कि वन गास, एक और यूनिट हम यूज़ करते हैं जिसको हम गास कहते हैं, और वन गास या वन गास इज वो बराबर है 10^-4 टेस्ला के, या हम ये कह सकते हैं कि टेस्ला इज़ अ बिगर यूनिट। ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट हम यूज़ करते हैं विद द नेम गास। और वो जो रिलेशन है बिटवीन द गास एंड टेस्ला, दैट इज वन गास इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला। ठीक है, सो अगर हम बात करें ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ रफली 0.5 गास और 0.00005 टेस्ला। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक पावरफुल परमानेंट मैग्नेट हो लाइक द काइंड यू माइट फाइंड इन द हेडफोन, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के आपके हेडफोन में है, सो इट माइट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गास और 0.1 टेस्ला। मतलब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपैरिजन है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो रफ वैल्यू है इज गिवन बाय 0.5 गास या हमारे पास वो इतने टेस्ला के बराबर है। ठीक है, मतलब देखें कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है हाउ वीकर इज दिस, ठीक है, वो कितना वीक है। अगर इसकी हम कंपैरिजन करें सिर्फ एक टिपिकल हेडफोन के साथ, तो टिपिकल जो हेडफोन है जो आप यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, अब देखिए उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो 1000 गास या 0.1 टेस्ला के बराबर है। सो नाउ यू कैन कंपेयर दैट हाउ वीकर मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ फील्ड हैज़। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट कैन प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 26,000 गास। ठीक है, और इसकी जो वेट है, इस वेट आर मास इज इक्वल टू 26 kg, और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है 26,000 गास के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2.6 टेस्ला, और 2.6 टेस्ला के बराबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर मैगनेट की, तो वो इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जितना के 10 टेस्ला। सो यहाँ पर यू शुड रिमेंबर इफ़ यू हैव अ सुपर कंडक्टर मैगनेट्स, सो यू शुड बी यू शुड डू सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाइल गोइंग नियर टू दैट मैगनेट। ठीक है, तो मतलब अगर आप सुपर कंडक्टर मैगनेट के करीब जाना चाहते हैं, या जिस एरिया में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ऑपरेट करता हो आप उधर अगर जाना चाहते हो, सो मेक श्योर कि यू आर नॉट वेयरिंग अ वॉच और अ बेल्ट बकल विद आयरन इन इट। ठीक है, कि आपने वॉच या आयरन रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पहना है, वरना ये कोई हादसे का सबब बन सकता है, या वो मैग्नेट इतना पावरफुल होगा कि वो उसको एक ज़बरदस्त झटके के साथ आपसे खींच सकता है। सो इट माइट बी फेटल, मतलब वो एक हादसे का बायस या हलाकत हेजी का बायस वो बन सकता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।